Hello students, myself Yogendra Gautam. I will teach you the subject physics. So welcome to the online classes on the first day of your junior college. You have passed the 10th class and scored the percentage. And having the percentage, you have get the admission. On the basis of percentage, you have got the admission in the different classes in our college. Some of the students maybe get admission in the 11th A, some will be get in the 11th B, and some students are in the 11th GMB. In this session, due to COVID-19, we are not meeting directly in the classroom, but we are meeting here online. Okay. And while studying the online, we will provide you the video of the topics from the YouTube. Some of the videos may be self video that will be prepared by us. You will get the link of that topic. You have to subscribe the channel to watch the complete videos that will be sent by me. You have to subscribe the channel in the YouTube. When you open the link on the screen, you will get the icon of subscribe. So you have to subscribe that channel so that you can see any video that will be uploaded by me in that channel. So aap sabhi ka is online classes mein swagat hai. College ke pehla din hai apna. Regularly agar college chalu hota, lekin COVID-19 ki wajah se kya ho raha hai, college band hai lekin padhai chalu hai. पढ़ाई चालू है, कैसे चालू है? ऑनलाइन पढ़ाई चालू है. जो आपको टाइम टेबल दिया है, उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको सिंसियरली उसी टाइम में अपने पीरियड को अटेंड करना है. और जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक को वीडियो ऑब्जर्व करने के बाद उस टॉपिक को रीड करना है, और रीड करने के बाद खुद ही उसके नोट्स बनाना है. हर एक पीरियड के बाद, जैसा एक मेरा फिजिक्स का जो पीरियड रहेगा, जो सेकंड पीरियड रहेगा, फर्स्ट पीरियड तुम्हारा केमिस्ट्री का है, सेकंड पीरियड ऑनलाइन में फिजिक्स का है. तो फिजिक्स के पीरियड में जो भी तुमको वीडियो पहले भेजा जाएगा, उस वीडियो को तुमको वॉच करना है, देखना है पूरी तरह से समझ के. शायद कुछ वीडियो में आवाज कम ज्यादा होता हो तो हेडफोन का यूज कीजिए, आवाज क्लियर आएगा. और जो भी टॉपिक तुमको जिस दिन पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक का वीडियो मिलेगा, साथ में तुम्हारी टेक्स्ट बुक, जो अपने 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स की जो टेक्स्ट बुक है, ये टेक्स्ट बुक आप सभी को खरीदना है. उस टेक्स्ट बुक को भी आपको रेफर करते जाना है साथ में ही. जिस टॉपिक का वीडियो रहेगा, उस टॉपिक का नाम, उसका पेज नंबर बुक में का वो तुम्हें दिया रहेगा. उस पेज नंबर से जो उस बुक के पेज नंबर पर जो भी टॉपिक आपको दिया है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए आज के दिन में, वही से तुमको रीड करना है. हो सकता है किसी बच्चों के पास में भी बुक्स नहीं भी होगी तो भी आप खरीद लीजिए, या फिर पिछले साल के जो बच्चे थे तो उनसे आप बुक्स ले सकते हो, या फिर पीडीएफ फाइल भी इसकी अवेलेबल है. आई विल शेयर दैट पीडीएफ फाइल ऑन आवर ग्रुप, सो यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फाइल ऑल्सो. बट बेटर यू कैन बाय दैट बुक, क्योंकि मोबाइल से जब स्क्रीन पर से अपन रीड करते हैं, आपको भी ज्यादा तकलीफ होती है, आपको भी स्ट्रेस आता है, उससे अच्छा बुक रही तो कभी भी अच्छा रहेगा. जिस दिन जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उस टॉपिक का वीडियो कम से कम 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा. 15 से 20 मिनट का वीडियो ऑब्जर्व करने के बाद उसको, उस टॉपिक को तुमको रीड करना है. जो भी इंस्ट्रक्शन दी रहेगी, उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से तुमको करना है. लास्ट में होमवर्क दिया रहेगा, जो होमवर्क तुमको सिंसियरली करते जाना है, क्योंकि जिस दिन हमारे कॉलेज स्टार्ट होंगे उस दिन हम सभी टीचर्स तुम्हारा होमवर्क चेक करने वाले हैं, या फिर ऑनलाइन चेकिंग भी हमारी चालू रहेगी, जिसमें डायरेक्ट आपको वीडियो कॉल किया जाएगा. वीडियो कॉल में जिस तारीख का होमवर्क हम बोलेंगे, उस तारीख का होमवर्क तुमको नोटबुक से दिखाना है. इन ऑनलाइन चेकिंग भी अपन कर सकते हैं, इसलिए ऐसा सोचना नहीं कि नहीं सर ने तो होमवर्क दिए है, कि ये नहीं किए तो भी चल जाएगा, कब देखने आएंगे सर, तो हम पहुंच जाएंगे. ऑनलाइन ही पहुंचेंगे, डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकते अभी. अगर तुम डायरेक्ट पहुंचते तो हमको भी आमने सामने अपन भी साथ में मिलते और डायरेक्ट एक मिनट से
आमने सामने बातें करते, लेकिन कोविड 19 की वजह से अपन डायरेक्टली न मिलते हुए इनडायरेक्टली जरूर मिल रहे, लेकिन डायरेक्टली जो पढ़ते थे वही ये इनडायरेक्ट मेथड्स भी पढ़ना है। सिंसेरिटी से आज से ही जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसकी पढ़ाई साथों साथ करो। कैसा होता है जनरली कि आज का मैं कल कर लूंगा, कल का मैं परसों कर लूंगा, परसों का नरसों कर लूंगा, इस चक्कर में हो जाता है और बाकी कुछ नहीं होता, सब कुछ अधूरा रह जाता है। सिलेबस की बात करेंगे अपन तो 10th और 11th 12th के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। 12th में जो 11th 10th क्लास में उनको साइंस था ओनली छोटी सी बुक थी एक, जिसके दो पार्ट थे मेरे ख्याल से, पार्ट वन पार्ट टू। लेकिन वो दोनों बुक्स अगर मिला भी लिए तुमने साइंस की 10th की, तो मेरे हिसाब से फिजिक्स की आधी बुक बनेगी अपनी 11th की। टॉपिक सिंपल है, समझना है तुमको और साथ साथ पढ़ना है। आज के लेक्चर में मैं तुम्हें पीडीएफ फाइल दिखाऊंगा इस टेक्स्टबुक की, किस तरह से इसके क्वेश्चंस रहते हैं, किस तरह से इसकी मेकिंग की हुई है, साथ में क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और कल से रेगुलरली अपन वीडियो के माध्यम से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज पहला ही दिन है, हो सकता है बहुत से बच्चे ज्वाइन ना हो, उनका नुकसान हो, इसलिए अपन कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज भी स्टडी करेंगे, आज भी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अपन। मैं आपको अभी ऑनलाइन पीडीएफ शो करूंगा इस वीडियो में बुक की, जिस वीडियो को तुमको देखना है साथ में, और उसके कंटेंट अपने कितने चैप्टर्स है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। होमवर्क भी रहेगा, आज पहले दिन से छोड़ूंगा नहीं, और होमवर्क बेसिक रहेगा जो तुम अपने 10th के नॉलेज पर भी उसे सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो वी विल सी द पीडीएफ फाइल ऑफ दैट 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स बुक। सो हेलो, दिस इज द कवर पेज ऑफ योर बुक 11th स्टैंडर्ड फिजिक्स। ओके, यू कैन सी दिस लाइक दिस। दिस इज द 11th स्टैंडर्ड बुक कवर पेज ऑफ आवर बुक। देन इन दिस session in the 11th standard, the chapters and the syllabus which will be given to you is given here. One, that is the competency statement standard 11th. Yahan par diya hai tumko, yes, a first chapter units and mathematical tools, first portion means first topic consider kiya gaya, usko se apan usko jaise part 1 bol sakte hai ya section bol sakte hai. Second section mein motion and gravitation, थर्ड सेक्शन है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और फोर्थ सेक्शन है साउंड एंड ऑप्टिक्स, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कम्युनिकेशन एंड सेमीकंडक्टर। मींस इसमें सभी प्रकार का पार्ट आ गया अपना, सभी प्रकार के चैप्टर्स आ गए हैं। तो पहला चैप्टर है अपना यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इन विच यू हैव टू स्टडी अबाउट द यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स यानी क्या होता है, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं अपन, द रेफरेंस स्टैंडर्ड विच विल बी यूज फॉर द मेजरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट। जैसा लेंथ का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, ओके, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, दैट आर द यूनिट्स। तो देर आर द सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स गिवन हियर, एंड यू आर ऑलरेडी स्टडीड two systems of unit, that is the CGS system and the MKS system, that you know very well. जैसा CGS system को अपन बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, जिसमें लेंथ गिनी जाती है सेंटीमीटर में, मास गिना जाता है ग्राम में, और टाइम गिना जाता है सेकंड में। उसी में साथ में मेजरमेंट्स का पार्ट दिया है। मेजरमेंट्स में जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेजर करते हैं अपन, तो एक्चुअल वैल्यू उस क्वांटिटी की और अपन ने कैलकुलेट की वैल्यू, उसमें क्या डिफरेंस आता है, दैट इज कॉल्ड एज एरर्स, एंड हाउ दैट एरर्स विल बी गेट कैलकुलेटेड, दैट विल बी शोन इन दैट मेजरमेंट पार्ट। एंड मेजरमेंट का मीनिंग तुमको मालूम है ऑलरेडी, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी अगर चीज़ें खरीदते हैं अपन, तो उस समय अपने को मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। दुकान में गए अपन, जैसा शुगर लेना है अपने को, दुकानदार को शुगर दे बोले तो उठा के कुछ भी दे देगा तुमको, नहीं, वो पूछेगा कितनी चाहिए करके, दो दे दो बोलोगे चलेगा क्या, यू हैव टू से
some unit with that too. Give me 2 kilogram sugar or 1/2 kilogram sugar. Means there is the need of that unit for the measurement. उसके बाद में सेकंड जो चैप्टर है अपना मैथमेटिकल मेथड, इसमें स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे अपन. मोस्टली वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. स्केलर क्वांटिटी मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी विच पजेस ओनली मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटी मीन्स फिजिकल क्वांटिटी विच पजेस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. मीन्स डायरेक्शन के साथ में कोई क्वांटिटी पे अगर उसके मैग्नीट्यूड पे फर्क गिरता है तो उस क्वांटिटी को अपन वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. तो इस मैथमेटिकल मेथड में अपन वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन मल्टीप्लीकेशन देखेंगे. मैथमेटिकल चैप्टर है पूरा, इसलिए नाम है उसका मैथमेटिकल मेथड. जैसा नेक्स्ट थर्ड चैप्टर दिया तुमको मोशन इन प्लेन. इन दिस मोशन इन प्लेन यू आर फैमिलियर विद द काइनेमेटिकल इक्वेशंस, दैट इज वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड थर्ड वन दैट इज द वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ए एस. ओके, तो उसके बारे में वो स्टडी रहेंगी अपनी मोशन इन अ प्लेन. उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, उसमें फिर से कुछ लॉज दिए अपने को मोशन के जो इसमें अपने को स्टडी करना है. देन ग्रेविटेशन, दैट इज द फैमिलियर चैप्टर टू यू इन द 10th स्टैंडर्ड. यू ऑलरेडी स्टडीड दैट ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है तुमने. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में मालूम है, जो डेरिवेशन तुमने देखा होगा जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, शायद ये तुम्हारे सिलेबस में था 10th में, उसी में का मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे ऐड किया है. पहले ओल्ड सिलेबस में ये 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर था, लेकिन अभी न्यू सिलेबस में तुम्हारे 11th में डाल दिया है. उसके बाद में है अपना नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज अपने को स्टडी करना है, जिसमें इलास्टिसिटी आएंगी सॉलिड की. ओके, नेक्स्ट चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें टेम्परेचर के इफेक्ट क्या होता है वो स्टडी करना है अपने को. उसके बाद है अपना नेक्स्ट, दैट इज द साउंड, जिसमें अपने को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड मीन्स वेव मोशन बोल सकते हैं इसको अपन. वेव्स क्या होती है, कितने टाइप्स की वेव्स होती है, साउंड वेव्स की कौन सी वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, साउंड के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, दैट यू हैव टू स्टडी इन दैट चैप्टर साउंड. 9th चैप्टर जो रहेगा अपना ऑप्टिक्स, दैट इज रिलेटेड टू लाइट. यू आर स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, दैट इज द रे ऑप्टिक्स, इन विच यू आर स्टडीड द रिफ्लेक्शन बाय द प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय द कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसकी स्टडी यहाँ करना है. उसके बाद का चैप्टर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेटेड टू द चार्ज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्टैटिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज बोलो या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो. मीन स्टैटिक चार्ज मीन्स रेस चार्जेस. जैसे तुमको एक कॉमन एग्जाम्पल मालूम है, वेन वी रब द पेन ऑन द हेयर एंड इफ दैट रब पेन इज प्लेस नियर द पेपर पीसेस, दैट पेपर पीसेस विल बी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट पेन. दैट एग्जाम्पल और दैट एक्सपेरिमेंट यू हैव परफॉर्म मेनी टाइम्स. सो वो जो चार्जेस है स्टेडी चार्जेस, उस स्टेडी चार्जेस के बारे में स्टडी करना है इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. इसमें और से गॉस लॉ अपन पढ़ेंगे, जिस गॉस लॉ में वी कैन डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर द चार्ज एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस. देन 11th चैप्टर जो है वो करंट, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर, जो तुमको फैमिलियर लॉ इसमें का मालूम है ओम्स लॉ, सो लॉन्ग एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जिसको तुम बोलते हो वी इक्वल टू आई आर. उस ओम्स लॉ की स्टडी और उससे और आगे बढ़ना है, उसमें अपने को एक दो लॉज फिर से दिए, जूल्स लॉ वगैरह उसकी स्टडी करना है. उसके बाद में है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म में मैग्नेट के बारे में स्टडी करना है, मैग्नेटिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से रहेगी उसकी, मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से अपन शो कर किया जाता है, दैट वी स्टडी इन दैट मैग्नेटिज्म. देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीन्स द वेव्स विच विल बी गेट प्रोपोगेटेड थ्रू द वैक्यूम ऑल्सो, सच वेव्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. जैसा रेडियो वेव्स हो गया, सनलाइट हो गया, लाइट वेव्स बोलते हैं इसको अपन, एक्सरेज हो गया, गामा रेज हो गया, ऑल दीज आर द
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. साउंड वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिकॉज साउंड वेव्स को प्रोपगेट होने के लिए किसकी जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है. एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें अपन डिफरेंट टाइप्स से कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, जैसा अपना अभी कम्युनिकेशन कौन सा चालू है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन चालू है, तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन बोलो या जो अपन मोबाइल फ़ोन या टेलीविज़न अपन यूज़ करते हैं तो किस तरह से उसका ट्रांसमिटेंस होता है, उसके बारे में इस कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ना है. और लास्ट चैप्टर है अपना सेमीकंडक्टर. यू नो ऑलरेडी देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द कंडक्टर्स, दैट इज़ द कंडक्टर तो सुना है तुमने, जिसमें से करंट फ्लो होता है उसको कंडक्टर बोलते हैं अपन, जिसमें से करंट फ्लो नहीं था उसको इंसुलेटर. जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स करंट पास करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है उसे कंडक्टर कहा जाता है, जिसकी इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कैपेसिटी बहुत कम होती है उसे इंसुलेटर या जीरो होती है उसको इंसुलेटर कहा जाता है, और जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिक करंट पास करने की जो कैपेसिटी होती है किसके बीच में होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, उसको क्या बोला जाता है, सेमीकंडक्टर. शायद तुमने सुना होगा ट्रांजिस्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अभी आ रहे हैं बहुत से, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ किया जाता है, जिसके इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ओके, एलईडी जिस बोलते हैं अपन, लाइट इमिटिंग डायोड, उसके बारे में स्टडी करना है सेमीकंडक्टर्स में. ओके, सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज दैट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. तो हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मिलेगा तुमको कैन यू रिकॉल. कैन यू रिकॉल मीन्स तुम्हें याद है या तुम्हें कुछ मालूम है कि इसके बारे में. जैसा देखो पहला क्वेश्चन दिया, व्हाट इज़ अ यूनिट. यूनिट यानी क्या होता है, क्या होता है यूनिट यानी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैं स्टार्टिंग में, द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज फॉर द मेजरमेंट. मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए जो अपन एक स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे उस स्टैंडर्ड को क्या बोला जाता है, यूनिट. जैसा क्या बताया था, लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, फोर्स का यूनिट जैसा न्यूटन बोलते हैं अपन, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, व्हिच यूनिट हैव यू यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग. यानी लेबोरेटरी में नीचे तीन चार क्वांटिटी दी है, उस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी में तुम कौन सा यूनिट यूज़ करते हो, वो यूनिट तुम्हें यहाँ बताना है. सो टू पहला क्या बोला है, विच यूनिट हैव यू यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग. फर्स्ट वन, फर्स्ट क्वांटिटी दी है लेंथ, तो लेंथ मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, अगर सामने रहते मेरे तो बहुत से लोग बोलते सर स्केल यूज़ करते हैं अपन, बराबर है. अगर सामने बैठे रहते अपन आमने सामने, अगर पूछता मैं विच यूनिट यू हैव यू यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग लेंथ, बहुत से बच्चों के मुँह से आवाज आता सर स्केल. स्केल इज द इंस्ट्रूमेंट, मीटर स्केल इज द इंस्ट्रूमेंट, बट यूनिट इज द मीटर बोलो या सेंटीमीटर बोलो. अपन जैसे सादी स्केल तुम्हारी जो होती है 15 सेंटीमीटर की होती है, छोटी वाली जो ग्लास की मिलती है, तो दैट यूनिट वी यूज्ड दैट इज द सेंटीमीटर बोलो या मीटर बोलो या मिलीमीटर में भी गिनते हैं अपन. जैसी उस बॉडी की लेंथ रहेगी उसके हिसाब से अपन यूनिट लेंगे. मिलीमीटर में भी गिन लिए तो उसको मीटर में कन्वर्ट करते आएगा, मीटर में गिन लिए तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते आएगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 10 मिलीमीटर. बाद में सेकंड क्वांटिटी दी है मास. मास अभी थोड़ी देर पहले बताया था, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, ओके, टाइम सेकंड, शायद कुछ लोग मिनट भी बोल सकते हैं, लेकिन मिनट क्या हो गया, 1 मिनट मीन 60 सेकंड, बट एक्चुअली मिनट क्या रहेगा टाइम का सेकंड. टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस. अब डॉक्टर के पास में जाते हो बुखार आने के बाद, डॉक्टर क्या करता है तुम्हारा टेम्परेचर गिनता है ना, तो टेम्परेचर कैसे गिनता है, थर्मामीटर से. सो यू विल उसको पूछते हैं अपन सर कितना है टेम्परेचर, वो क्या बताता है 102 है. ओके, अब डॉक्टर साहब ने 102 बता दिया तो अपन अंदाज मत लगाना कि 102 डिग्री सेल्सियस. अगर 102 डिग्री सेल्सियस हो गया तो घर में गैस जलाने की जरूरत नहीं, सीधा अपन लेट जाने का, मम्मी को बोलने का पतेला मेरे पीठ पे रख पूरा खाना बना ले, क्योंकि गैस जलाने की जरूरत नहीं. कि 102 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, वो जो थर्मामीटर जो होता है उसका यूनिट होता है क्या अपना फ़ारेनहाइट. तो बॉडी का टेम्परेचर गिनते हैं क्या में गिनते हैं फ़ारेनहाइट में, ठीक है. तो उसकी स्केल है अपने पास में कन्वर्शन की, जिसमें अपन डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का केल्विन में
कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन। और तीसरा क्वेश्चन बोला है विच सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैव यू यूज्ड, इसके पहले तुमने कौन सी सिस्टम यूज़ किए हो, कौन सी यूज़ किए तुमको मालूम है, टेंथ स्टैंडर्ड की बुक होगी उसमें देख लो, नाइन्थ की बुक देख लो, मेरे ख्याल से तुमने CGS, MKS और FES सिस्टम तो यूज़ किया है, बराबर है। CGS में क्या बताया था मैंने, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में, सेकंड MKS में लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में, और FPS में क्या होगा, लेंथ फीट में, मास पाउंड में और टाइम फिर से काय में रहेगा, सेकंड में। तो ये हो गए तुम्हारे 3 क्वेश्चंस, कैन यू रिकॉल में से, और जो ओल्ड मेमोरीज है तुम्हारी या तुम्हारा जो पहले का पढ़ा हुआ है उसके बारे में यहाँ पे कैन यू रिकॉल करके क्वेश्चन पूछा है, जो इसके बाद में अपन है ना, तुम्हारे को कुछ याद है कि जिसके पहले तुम पढ़े हो कि इस चीज़ से फैमिलियर हो क्या, ये चेक करने के लिए हर एक चैप्टर के पहले इस तरह से कैन यू रिकॉल करके दिया रहेगा। ओके, नाउ सी हियर इंट्रोडक्शन, क्या दिया है इसमें, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, जो भी पढ़ना पढ़ लेना आप लोग ना, ठीक है। अब देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स यहाँ पर है पहला टॉपिक अपना, इन आवर अर्लियर स्टैंडर्ड वी हैव कम अक्रॉस वेरियस सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स नेमली CGS, MKS, FES एंड SI, दैट इज द सिस्टम इंटरनेशनली। CGS, MKS और FES के बारे में अभी तुमको बताया मैंने, ठीक है। SI मीन्स सिस्टम इंटरनेशनली, मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल मीन्स दिस सिस्टम विल बी यूज्ड ऑन द इंटरनेशनल लेवल, मीन्स जो भी डाटा अपने को सेंड करना होता है सभी जगह अगर अलग अलग सिस्टम में डाटा भेजा गया तो कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होगा, इसलिए एक ऑल ओवर वर्ल्ड एक नई सिस्टम आप इन्हें बनाई गई, उसको बोला गया है सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको SI सिस्टम बोला जाता है। तो हियर फर्स्ट टॉपिक दैट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स दैट यू आर फेमिलियर विद दिस वन, CGS, MKS एंड FPS एंड SI सिस्टम। तो फर्स्ट 3 सिस्टम्स नेमली CGS, MKS एंड FPS वेयर यूज्ड एक्सटेंसिवली टिल रिसेंटली, आज तक यूज किया करते आ रहे। इन 1971 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर रिकमेंडेड यूज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दिस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड SI यूनिट्स, एज द SI यूनिट्स यूज डेसिमल सिस्टम कन्वर्शन विद इन द सिस्टम इज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट। मीन्स अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताया मैंने CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, इसमें हर एक क्वान्टिटी, हर एक फिजिकल क्वान्टिटी क्या हो रहा था यूनिट, उसके हिसाब से सिस्टम के हिसाब से चेंज हो रहा था, लेकिन उसके ऊपर अलग अलग यूनिट ने यूज़ करते हुए एक ही यूनिट सभी जगह इंटरनेशनली यूज़ किया जाए, इसलिए 14th इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स में क्या रिकमेंड किया, एक सिंगल सिस्टम रिकमेंड किया, दैट इज़ द SI सिस्टम, जो कौन सी यूनिट है, कौन सी सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम, एंड कन्वर्शन विद इन दिस सिस्टम इज वेरी कन्वीनियंट एंड द सिंपल, कन्वीनियंट कैसा है, सिंपल है। ओके, सो दैट सिस्टम्स विल बी बेस्ड ऑन 3, जैसा कि CGS, MKS और FPS, ये जो सिस्टम है 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड होती है, जिसमें 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में लेंथ, मास और टाइम कंसिडर किया गया है। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, दैट विल बी बेस्ड ऑन द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, और उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स, ओके। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी है और 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन थे, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। होमवर्क जो भी रहेगा आज का वो तुमको व्हाट्सएप पे क्लास खत्म होने के बाद में आ जाएगा, तो यू हैव टू स्टडी, जैसा जो पहले ही बताया मैंने स्टार्टिंग में कि रेगुलरली स्टडी करना है, साथ साथ में चलना है, जिस दिन का होमवर्क है उसी दिन कंप्लीट करना है। ओके, सो गुड बाय स्टूडेंट्स, वी विल मीट टुमारो, थैंक यू।